हमारी चुनावी यात्रा आज कुशीनगर में है। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए अब हम कुशीनगर पहुंचे हुए हैं। कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती, और यहाँ पर चुनावी समीकरण क्या है, राजनीति कैसी चल रही है और प्रत्याशियों के अंदर कितना जोश है, प्रत्याशी किसे अपनी टक्कर में देख रहे हैं और राजनीतिक लड़ाई कैसी चल रही है। हालांकि आज यहाँ पर बीजेपी के कई सारे सीनियर लीडर भी आए हुए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर की हाटा विधानसभा में। इस विधानसभा के लिए बताया जाता रहा है कि कभी भी यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी कंटिन्यू, मतलब दो बार लगातार नहीं जीता है, या फिर कोई भी राजनीतिक दल दो बार लगातार नहीं जीती है, कभी सपा, कभी बीजेपी, कभी अन्य राजनीतिक दल। और इस बार इस विधानसभा सीट पर एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं रबीश सिंह, जो लगातार पार्टी के प्रत्याशियों, जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। रबीश सिंह समाज सेवी के रूप में है, जनता के बीच में उनकी अच्छी पहचान है, वो लगातार स्वास्थ्य से संबंधित सहायताएं भी करते आए हैं, वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस बार किसी राजनीतिक दल को नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रबीश सिंह को जितवाइए। आइए बात करते हैं उनसे। रबीश भाई, बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर आपका। सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप इस विधानसभा पर अपना दमखम दिखा रहे हैं, जनता काफी दिख रही है मुझे जो आपके साथ इस वक्त लगी हुई है, क्या रणनीति है और जो मौजूदा विधायक है यहाँ से, उनकी किस तरह से कामों के बारे में लोगों से बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया और क्या कर सकते थे? जो इस समय मौजूदा विधायक थे पहले टाइम, इस बार तो उनको टिकट मिला ही नहीं है, इसलिए इसमें वो अंडरग्राउंड है। तो मैं कहना चाहता, जो वर्तमान में है वो पब्लिक के बीच में एकदम निष्क्रिय है, उनका कोई पब्लिक में असर नहीं है। एक समाज सेवी के रूप में भी यहाँ पे लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं। मैंने भी कुछ लोगों से भी बात की थी रास्ते में, तो वो भी बता रहे थे कि स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी सहायताएं आप करते आए हैं, लोगों के बीच रहते आए हैं, तो कुछ उनके बारे में भी बताइए। और जिस तरह से पूरे देश में कोविड के दौरान समस्याएं पैदा हुई थी लोगों के लिए, उस दौरान भी सुनने में आया कि आपने बहुत सारा काम किया है, कुछ उसके बारे में भी बताइए, हम ये जानना चाहेंगे ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और राजनीतिक दल जिस तरह से टक्कर देख रहे हैं आपसे, तो उनको भी ये बात पता चले कि पार्टी के जो नेता हैं वो क्यों नहीं जनता के बीच जाना चाहते हैं, जाते हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप जनता के बीच जाकर किस तरह से काम। देखिए, मैं पहले आपको बताता हूँ, कोविड जैसे वैश्विक महामारी में मैंने 2 सालों तक हर घर परिवार को सुरक्षा के लिए मैंने अपना जान जोखिम में डाल के हर घर परिवार के हाटा विधानसभा से लेकर कुशीनगर जनता को मैंने सुरक्षा दी है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हाटा विधानसभा से लेकर कुशीनगर तक मैं 5 एम्बुलेंस प्रोवाइड करता हूँ। उस एम्बुलेंस से माध्यम से हर घर परिवार को जिनको जरूरत रहती है बिना पैसे का, चाहे वो पढ़ौना जाए या मेडिकल कॉलेज जाए या अपने घर स्वास्थ्य केंद्र पर जाए या किसी विदाउट प्राइवेट हॉस्पिटल पर जाए, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि मेरा एम्बुलेंस है तो मेरे वहाँ इलाज कराए, उसकी जहाँ इच्छा होती है मैं वहाँ भेजता हूँ। दूसरा चीज़, इस एम्बुलेंस में जिनकी इच्छा रहती है तेल का पैसा देते हैं और जिनकी नहीं इच्छा रहती है वो पैसा नहीं देते, किसी को मना नहीं किया जाता है। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि इस बार बीजेपी ने यहाँ से जिससे प्रत्याशी बनाया है वो अभी मौजूदा भी किसी एक पद पर हैं, उस पद पर रहते हुए क्या उन्होंने विकास का कोई काम इस पालिका में, इस विधानसभा में किया? देखिए, हम तो जब भ्रमण करने, 40-42 गाँव की नगर पालिका है, उनमें उस 42 गाँव में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, लोग उनसे संतुष्ट नहीं है। लोगों का कहना ये है कि यदि हमारा 5 साल तक की सेवा किए हैं, हम कितना रुलाए हैं, आवास में इतना घपलबाजी हुई है, तो हम पुनः इनको मौका नहीं देंगे। क्या क्या आपको लगता है कि कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं इस विधानसभा से जुड़े हुए जो आप जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं? हाटा विधानसभा के सभी सम्मानित जनता के लिए महिला सुरक्षा, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बस स्टैंड, इस तरह से हमारे मूल रूप से, और स्वास्थ्य के लिए कम से कम हाटा विधानसभा के लिए निःशुल्क में 25 एम्बुलेंस मिलना चाहिए इस बार। नतीजे क्या होंगे, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या होंगे और इस विधानसभा के नतीजे? उत्तर प्रदेश के नतीजे मुझे नहीं पता है, लेकिन हाटा विधानसभा के नतीजे मुझे पता है कि इस बार हाटा विधानसभा 5 साल जीती, इस पर जनता सब कुछ जानती है,
जनता को इस बार छल नहीं पाएगा और जनता जानती है कि जो कर्मठी सुयोग्य प्रत्याशी है मैं उसको वोट करूंगा, मैं हाटा विधानसभा का विधायक बनाऊंगा। जनता से अपील क्या है अपने लिए? मैं हाटा विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से अपील करता हूं, मैं रवि सिंह 334 विधानसभा क्षेत्र हाटा से विधायक प्रत्याशी जो मेरा कॉर्पोरेट चुनाव चिन्ह है जो 3 मार्च को भारी मतों से मुझे विजयी अपना। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये थे रवीश सिंह जो लगातार विधानसभा सीट में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के सामने खड़ा कर रहे हैं और चुनौती खड़ा कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे नतीजे क्या होंगे, लेकिन फिलहाल यहां की जो लड़ाई है काफी दिलचस्प बनी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन प्राइम। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।